गाइस लकड़ी काटने के लिए गया मैं जंगल में, वहां पे मेरे को भाई साहब अटैक कर दिया धारी नाग ने। गाइस इतना जायंट, इसको मैंने किल किस तरह किया, किस तरह से दोबारा जिंदा होके गाइस मेरे पीछे भागने लगा, तो पूरी वीडियो आपको आपका भाई बताने वाला, तो वॉच कीजिएगा। काफी दिनों के बाद हमको मिला एक ऑर्डर। ऑर्डर क्या था, हमको बनाना था एक लकड़ी का खूबसूरत किस्म का हाउस। उसके लिए हमको चाहिए थी काफी सारी लकड़ी। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और अपने हॉर्स के साथ अपने इस ट्रक में गाइस जुरासिक पार्क की तरफ जाने लगा। गाइस मैंने कहा इतनी सारी लकड़ी चाहिए होगी हाउस के लिए, तो उसके लिए हमको ये वाला ट्रक तो ले जाना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि इसमें ही लकड़ी ला के हम अपना हाउस बना सकते हैं, क्योंकि छोटे उसके पाइप पीस नहीं कर सकते, बड़े बड़े पीस इसी में लाद के लाना पड़ेंगे हमें गाइस। तो लेके चला गया मैं जुरासिक पार्क की तरफ अपने ट्रक। मेरे को लग रहा था मेरे ट्रक का पेट्रोल, मेरे को लगता है डीजल कम हो रहा था, मैंने कहा डीजल डलवाते, बट मैंने कहा वापसी पे डलवा लेंगे, पहले लकड़ी वकड़ी लाद लेते, क्योंकि अगर रात हो गई तो काफ़ी गाइस सुनसान किस्म की जुरासिक पार्क है, तो इसलिए हमको जल्दी से जाके पहले लकड़ी काटनी होगी गाइस। तो लकड़ी के लिए हमको काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर एक ही जैसे पेड़ होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए घर जो बनाना पड़ेगा हमको वो बिल्कुल स्टेबल एक ही साइज़ का होना चाहिए, छोटी बड़ी लकड़ी हमें वहाँ पे काम नहीं देने वाली थी, इसीलिए हमको गाइस काफ़ी सारी लकड़ी एक ही तरह की चाहिए थी। तो मैं आ चुका था जुरासिक पार्क में, हॉर्स मेरा पीछे भाग भाग के आ चुका था जुरासिक पार्क में, तो मैंने कहा अभी यहाँ से तो भाई ट्रक नहीं ले जाना, चलते हैं हॉर्स पे। तो मैं गाइस ढूंढने चला गया काफ़ी सारी लकड़ी जो एक ही तरह की दिखती हूँ गाइस, तो मैंने हॉर्स को पकड़ा और जल्दी से गाइस चला गया जुरासिक पार्क में। काफ़ी देर गाइस ढूंढने के बाद मेरे को काफ़ी देर ढूंढ रहा था एक ही जैसी कोई एक इकट्ठी लकड़ी मिल जाए, ये देखिए कोई कहाँ पे दरख्त है कोई कहाँ पे पेड़ है, तो गाइस मैंने कहा एक ही जगह पे मेरे को इकट्ठी लकड़ी मिल जाए, मैं एक ही जगह से काट के वहाँ से चला जाऊँगा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद, इतनी सारी भाई साहब मेहनत करने के बाद, मेरे को बिल आखिर एक जगह पे इकट्ठा झुंड गाइस मेरे को मिल गया लकड़ी का। मैं काफ़ी देर ढूंढता रहा बट नहीं मिला, बट एक जगह पे मैंने देखा काफ़ी सारी लकड़ी इकट्ठे दरख्त भाई साहब पेड़ लगे हुए थे। मैंने कहा ये तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, यहाँ से काटते हैं और लेके चलते हैं जल्दी से। काफ़ी घने और काफ़ी एक ही जैसे दरख्त लगे हुए थे यहाँ पे। मैंने कहा यहाँ पे यार कुछ गड़बड़ लग रही है। जब मैंने नीचे उतर के देखा गाइस, मैंने कहा देखते हो गाइस बात क्या है, मैंने देखा काफ़ी कमाल के दरख्त थे, ये तो बिल्कुल जॉइंट और बड़े थे, इनसे वो छोटा सा लकड़ी का घर काफ़ी खूबसूरत किस्म का बन जाना था। तो मैंने देखा गाइस यहाँ पे एक ही जगह इतने सारे दरख्त कैसे हो गए, तो मैंने जब गाइस नीचे देखा तो ये क्या थी भाई साहब, ये एकदम से रुकना गाइस, मैं थोड़ा सा क्लोज गया, तो क्लोज जाने के बाद मैंने देखा अबे ये तो किसी चीज़ के अंडे थे, किसी ने छुपा के रखे हुए थे, बट यार अंडे छुपा के कौन रखता है, या तो किसी डेंजर चीज़ क्यों फिर छुपा के रहता है, यहाँ पर तो कोई डेंजर चीज़ रहती नहीं यार, पहले भी मैं आता रहता हूँ जुरासिक पार्क में, यहाँ पे मेरे को कोई चीज़ ऐसी तो मिली नहीं गाइज। तो काफ़ी देर सोचने के बाद गाइज मैंने अपनी कुल्हाड़ी निकालने के बाद गाइज मैंने लकड़ी काटना शुरू कर दी। काफ़ी थक चुका का गाइज, इतनी मुश्किल से इतने डेंजर किस्म के ये गाइज पेड़ थे, मेरे से बहुत ही मुश्किल तरीके से काटे जा रहे थे। तो काफ़ी पेड़ काटने के बाद गाइस मैंने कहा अभी इनको लादने की कोशिश करते, जैसे मैं दरख्त पे चढ़ा तो मैंने गाइस आवाज़ सुनी और एकदम से इतना जॉइंट स्नेक आ गया, मैं एकदम से गाइस सांस रोक के गाइस रुक गया और स्नेक ने मेरे पे इतने अटैक किया गाइस, मैं सांस रोक के बिल्कुल एकदम से छुप गया और रुक गया और गाइस वो आहिस्ता से चला गया, मैं वहाँ से जल्दी से कल्टी लेने लगा गाइस। मैंने कहा अभी क्या करूँ गाइस, मैंने कहा इस स्नेक को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। स्नेक जैसे अपनी ही कुछ आवाज़ में कह रहा था कि यहाँ से लकड़ी नहीं लेके जानी गाइस, तो मेरे को रात होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रात को गाइस ये स्नेक बाहर आएगा, तो जिसकी वजह से मैं इसको किल करके यहाँ से अपनी लकड़ी लेके जाऊँगा गाइस। इतने दिनों के बहुत ऑर्डर मिला था और मैं नहीं ये ऑर्डर गंवाना चाहता था, मुझे ये ऑर्डर हर हाल में कंप्लीट करना था गाइस। तो इसके लिए रात हो चुकी थी, अभी मेरे को इतना डर लग रहा था गाइस, मैंने गन निकालने के बाद जैसे मैंने देखा स्नेक भाई, मैंने इतनी बुलेट मारी गाइस स्नेक को मैंने मार दिया, पर ये छातारी स्नेक था गाइस। मारने के बाद गाइस मैं सुबह होने के बाद मैंने सारी लकड़ी लादी ट्रक के ऊपर और मैं लेके चला गया गाइस, मैं लेके जा रहा था गाइस। तो जैसे ही लेके जा रहा था इतनी स्पीड में, तो गाइस मैं जाके इसको मैंने वेयर हाउस में, ये इधर जो एयरपोर्ट पे था उसमें स्टोर कर दिया, इसके बाद इसका भाई साहब हाउस बनाएंगे। मैं वहाँ से निकलने लगा गाइस, जैसे ही निकलने लगा तो गाइस मेरे को नहीं पता था वही नाग जिसको मैंने मार के दफन किया था, वो इतना बड़ा इच्छाधारी नाग बन के गाइस आ चुका था, जिसके सर पे भाई साहब एक स्कल लगा हुआ था
वो मुझको दिन रात ढूंढ रहा था गाइस, बट उसको मेरे घर का हाउस का नहीं पता था। उसने भाई साहब इतना मेरे को ढूंढा क्या बताएं आपको गाइस। तो बाकी सारा जो सीन होगा वो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर वॉच कीजिएगा।